गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा है कि कोरोना के चलते विश्व में जो मजदूर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुतायत में पलायन कर रहे हैं, है ना, लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक के चलते, पैंडेमिक का अर्थ होता है महामारी, वैश्विक महामारी। इस वैश्विक महामारी के चलते जो मजदूर हैं उन मजदूरों का सारा जो रोज़गार है वो छिन चुका है, वो दर दर भटक रहे हैं, दो वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं। तो ऐसी विपरीत स्थिति में उनको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है और वो शहरों से, वो इंडस्ट्रियल एरिया से अपने गांव की ओर पलायन लगातार कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वर्तमान में जो श्रमिक या जो मजदूर हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, है ना, भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उनके हक हैं, क्या क्या उनके कानून हैं, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। हम यहाँ पर भारत के बारे में भी बात करेंगे और एक देश से दूसरे देश से संबंधित वर्तमान की स्थिति को भी हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो भारत में जो लेबर लॉ है, जो भारत में श्रमिक कानून है, है ना, जितने भी कानून होते हैं, मैंने आपको बताया है, ये जो कानून है, ये कानून भारत में संविधान के आधार पर बनते हैं। अभी संविधान क्या है, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार जब मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ा देता हूँ, है ना, अभी कुछ ही समय बाद मैं संविधान को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी क्लासेस चलेगी एवरीडे। अभी क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं कर रहा, है ना। जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ भाई अब स्टेबल हो चुका है मेरा चैनल, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको वॉच करने लगे हैं, सब्सक्राइबर भी थोड़े से मिल जाएंगे मुझे, है ना, मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूँ, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अगर मेरा पढ़ाना आपको सही लगे तो आप बिल्कुल करिए, और अगर गलत लगे या बुरा लगे तो मैं कहूँगा आपसे अनसब्सक्राइब करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का जो संविधान है, इस संविधान में बहुत सारी सूचियाँ हैं, बहुत सारी लिस्टेड बनाई गई हैं संविधान के द्वारा। तो लिस्ट तीन प्रकार से बनाई है, एक है संघ सूची, है ना, यूनियन लिस्ट, उसमें जितने भी नियम कानून लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हैं ये हम डिस्कस करेंगे संविधान में। तो संघ सूची में जो बातें लिखी हैं उन पर नियम कानून बनाने का काम केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वही नियम बनाती है, वही कानून बनाती है, वही उसे संचालित या रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरी है आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितनी भी बातें हैं उन पर जो चर्चा है वो राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार रेगुलेट करती है, सारा कुछ राज्य सरकार का होता है, है ना। और एक आपकी पड़ती है समवर्ती सूची। क्या पड़ती है? समवर्ती सूची। इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। यह एक ऐसी लिस्ट होती है, इस लिस्ट में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे मिले भारत संविधान को लिखने के बाद जिन पर राज्य और केंद्र दोनों बराबर के रूप से हस्तक्षेप करना जरूरी था, दोनों को बराबर सहभागिता रखना जरूरी था, इसी कारण हमने समवर्ती सूची को क्रिएट किया। और इस सूची को हमने इस तरीके से रखा, है ना, कि हम दोनों राज्यों को, राज्य सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों मिलकर इस पर क्या करें, नियम बनाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी उनमें भी डिस्प्यूट या विवाद हो जाता है। जब उनमें विवाद हो जाता है तब जो इसकी प्रायोरिटी है वो किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, है ना। मान लो राज्य सरकार कह रही है कि ये काम नहीं होना है और केंद्र सरकार कह रही है ये काम होना है, और वो विषय समवर्ती सूची का है, तब वहाँ मुद्दा फंस जाता है, तब वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी केंद्र सरकार को होती है और केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम एंटर करते हैं लेबर कानून के बारे में। अब इस सूची में जो लेबर कानून का टॉपिक है ना, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उस क्या लिखी है वो हम बताते हैं। जो श्रमिक हैं, ये श्रमिक काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनका रिलेशन किससे होता है? इनका रिलेशन होता है मालिक से।
मालिक से या कंपनी से, ठीक है, मालिक से और मालिक की कंपनी से, इन दोनों का रिलेशन होता है। अब इसमें क्या है कि मजदूरों के भी बहुत सारे हक होते हैं और बहुत सारे हक मालिक के भी होते हैं, है ना, बहुत सारे हक कंपनी के भी होते हैं। कंपनी का मतलब मालिक, है ना, मालिक की ही कंपनी होती है। तो कंपनी के हक और मजदूर के हक क्या हैं, उन पर हम बात करेंगे। अधिकांश तौर पर जो भारत सरकार का ये कानून है, ये कानून मजदूरों के हक में ज़्यादा है ना। क्यों है? क्योंकि देखो, हक तो बराबर है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, तो फंडामेंटल राइट का यहाँ हम हनन नहीं कर सकते। जो मौलिक अधिकार हैं उनको हमको देखते हुए दोनों को बराबर लेके चलना है। जब इनको बराबर लेके चला, तब कहीं ना कहीं पक्ष मालिक का ज़्यादा रहा, क्योंकि मालिक पैसे वाला होता है और पैसे वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सरकार बड़ी आसानी से सुन लेती है ना। तो भारत सरकार ने क्या सोचा कि मालिक तो कहीं ना कहीं से सारे सोर्स अपने पक्ष में रख ही लेगा। अधिकांश तौर पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कानून है वो हमें श्रमिक की ओर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि विकास हमें श्रमिकों का करना है ना। कंपनी का तो करना है, कंपनी का तो करना है, कंपनी आएगी तभी तो मजदूर रहेगा, है ना। लेकिन मुख्य तौर पर जो भूमिका है वो श्रमिक की है। अगर श्रमिक काम नहीं करेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। श्रमिक गरीब व्यक्ति होता है, आर्थिक स्थिति से भी जूझता है, कहीं ना कहीं वो उन नियमों और हकों को नहीं समझ पाता है। तो इस कानून को, इस लॉ को मजदूरों को फेवर में ज़्यादा रखा है, और उन्हीं मजदूरों की बात हम यहाँ पर करेंगे कि मजदूरों को आखिर भारत सरकार के लेबर लॉ या श्रमिक मजदूर कानून ने कौन कौन से हक प्रदान किए हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई श्रमिक है, कोई मजदूर है, हो सकता है आप भी हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना, एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए, संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसी काम को किस तरीके से देखते हैं। जिस काम को आप जिस तरीके से देखते हैं वो काम वैसा ही हो जाता है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी, आप चपरासी के पद पर हैं, है ना, आप एक छोटी सी बात उदाहरण से समझिए, जैसे आप चपरासी के पद पर हैं और चपरासी के पद पर रहते हुए आप सारे काम डेडिकेशन और पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा इंटीग्रिटी के साथ करते हैं, तो आप बहुत एक सही और महान व्यक्ति हैं। और अगर आप उसी विभाग में कलेक्टर के पद पर हैं या उस विभाग के मुख्य व्यक्ति या ऑफिसर के पद पर हैं और आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, बहुत सारे कामों को करने के लिए आप रिश्वत लेते हैं, मालिकों का सपोर्ट करते हैं, मजदूरों का हनन करते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका हनन करते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं प्रदान करते जो एक गवर्नमेंट के रूल्स में उनको ज़रूरी हैं। मजदूर आपके पास सामने सहायता मांगने आता है लेकिन आप उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वो बेचारा गरीब है और जो मालिक है उसने आपके सामने पैसे रखे और आपने वो काम कर दिया, तो आप बताइए वो मालिक या वो ऑफिसर श्रेष्ठ हुआ कि वो चपरासी श्रेष्ठ हुआ, ठीक है। तो चपरासी बहुत छोटा है लेकिन काम कैसा है ये डिपेंड करता है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके यहाँ से कर्म ही जाएंगे, आपने यहाँ पर क्या अच्छा किया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ भेजा है तो केवल और केवल आपको यहाँ खाने के लिए नहीं भेजा, आपको यहाँ बहुत अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। इस फिलॉसफी को मैं आपको हिंदू धर्म में पढ़ाऊंगा, जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर दृष्टिकोण होता है काम करने का, ठीक है। इस पर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है, बस 1 मिनट लगेगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था। जब व्यक्ति वहां से जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा था, एक व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा था। और जब राह चलते उस संत ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि दिखता नहीं है, दिखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब उस पत्थर फोड़ने वाले व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मुझे कहाँ आपने भेज दिया, कैसी मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ये सबसे निचला काम मिला है, सबसे इतना बेकार काम मिला है कि मुझे आज पत्थर फोड़ना पड़ रहा है, कैसे ऐसे मेरे बुरे कर्म रहे हैं। मतलब वो काम को रो रो कर रहा है। जब वो संत थोड़ा सा आगे बढ़ा तब एक व्यक्ति वहां पर मिला और वो व्यक्ति से उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, भाई मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये पत्थर तोड़ने का काम मिला।
ये मुझे पत्थर तोड़ने का काम मिला है, क्योंकि ये जो पत्थर है ये पत्थर भगवान के मंदिर बनने में लगने वाला है, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और जिससे कहीं ना कहीं मुझे मेरे ऐसे अच्छे कर्म रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये हमेशा रहेगा, और इस मंदिर में मेरे हाथ के लगे हुए पत्थर लगे रहेंगे, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ठीक है, तो काम कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता है आपकी सोच पर, आपके दृष्टिकोण पर, कि आप उसको कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो श्रमिक की हम वही बात कर रहे हैं कि श्रमिकों को आखिर कौन कौन से हक हैं। ठीक है, तो हकों पर हम बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपके नज़र में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो श्रमिक हों, जो काम करते हैं, है ना, तो उनके राइट्स को आप बता सकते हैं, या जो लोग ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं जो श्रमिक हों, तो अपने राइट्स को जान सकते हैं या फिर भी बता सकते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं नंबर वन पॉइंट से, है ना, मैंने थोड़ी सी कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कैटेगरी इसलिए मैंने बनाई हुई है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है रूल्स में, उस पर भी हम बात करने वाले हैं इसलिए। तो सबसे पहले बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी सामान्य तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, बॉन्डेड लेबरशिप। बॉन्डेड लेबरशिप या बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि भाई, एक पुराने समय में होता था गांव में, कभी कभी कहीं कहीं अभी भी शायद होता होगा। इसमें अगर किसी मजदूर ने किसी बड़े जमींदार व्यक्ति से कर्ज ले लिया है या ऋण ले लिया है, है ना, जब ऋण ले लिया है और वो मजदूर ऋण नहीं दे पाता, जब वो मजदूर उस व्यक्ति को ऋण नहीं दे पाता, तो वह मजदूर उस व्यक्ति के यहाँ मजदूरी पर बंध जाता है, मजदूरी पर बंध जाता है, और लगातार उस मजदूर से वो मजदूरी लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, तब तक लेता है जब तक कि ऋण उसे प्राप्त नहीं हो जाता। आजीवन अगर वो ऋण प्राप्त नहीं होता तो वो मजदूर आजीवन उसके यहाँ बंधुआ मजदूरी करता रहता है, वो अपनी बंधुआ मजदूरी से मुक्त नहीं होता। बात समझ में आई होगी आपको। ये पुराने समय में होता था कि भाई ऋण नहीं मिल पाता था और मजदूर लगातार अपने जीवन भर मजदूरी करता रहता था, फिर उनके बेटे आते थे वो मजदूरी करते थे, फिर उनके बेटे आते थे और वो लगातार उसी ऋण में पिसते जाते थे। तो इस बंधुआ मजदूरी को भारत सरकार ने पूर्णतः ख़त्म कर दिया है। एक बात याद रखें कि ये क्राइम है ना, ये भारतीय लेबर या श्रमिक कानून के विरुद्ध है। अगर ऐसा होता है तो आप इन्फॉर्म करके इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना, ये बैन है हमारे भारत में। दूसरा आता है कंपनसेशन। दूसरा क्या आता है? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि किसी भी कार में अगर दुर्घटना हो जाती है या कोई समस्या आ जाती है, है ना, या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। ये जरूरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। हो सकता है काम करते करते आपका हाथ कट जाए, आपका पैर कट जाए, है ना, या आपकी आँख में समस्या हो जाए, तो उस पर कंपनी क्या दे देगी? कंपनसेशन देगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी का आप रिकवर कर सकते हैं, तो आपको पैसा मिलता है, है ना, ये जरूरी है कंपनसेशन। तीसरा आता है बिल्डिंग रूल। बहुत सारे बिल्डिंग्स रूल होते हैं, है ना, इस बिल्डिंग रूल्स में अलग अलग चीज़ों का व्याख्यान किया गया है, है ना, कि किस तरीके की बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग में अगर ऊपर मजदूर काम कर रहा है तो उसके लिए छाया की व्यवस्था करानी चाहिए, है ना, और जैसे ज़्यादा ऊपर काम कर रहा है तो नीचे जाली लगाना आवश्यक होता है, ताकि ऊपर से जब मजदूर गिरे तो उस जाली में आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु ना हो, है ना। एक वो हरी प्रकार की नेट लगा दी जाती है जिससे मजदूर को धूप ना लगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मजदूर लगातार उसी स्थिति में काम करता रहता है। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स रूल भी होते हैं। चौथा आता है टाइम पेमेंट, टाइमली पेमेंट। अगर कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है तो बेचारा बहुत गरीब होता है, उसे अपने जीवन का जीविकोपार्जन करने के लिए पैसों की काफ़ी कमी होती है, और जब कमी होती है तो उसको सरकार कहती है कि भाई आप टाइम पे पेमेंट दीजिए, टाइम पर पेमेंट दीजिए। अधिकांश तौर पर ये नहीं होता हमारे भारत में, मजदूरों को टाइम से पेमेंट नहीं दी जाती। 2 से 3 महीने जब वो काम कर लेते हैं तब उन्हें पैसा दिया जाता है, वो भी कम पैसा देते हैं, कुछ पैसा बचा लेते हैं। तो ऐसा बहुत सारा अत्याचार होता है, तो ऐसा अत्याचार भारत में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
और कहीं ना कहीं भविष्य में आप ऑफिसर बनते हैं, या आप डीसी बनते हैं, या आप एनटी बनते हैं, या आप डीएम बनते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी आशा आपसे यही होगी कि आप इस तरीके का व्यवहार मजदूरों के साथ ना करें, क्योंकि अपने जीवन से वो वैसे ही परेशान रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी सहायता करें, है ना। तो ये सारी जो हक हैं, जो लॉ हैं, उनके फेवर में हैं, तो ये हमको उनको देना है अगर आप कभी भी भविष्य में एक ऑफिसर के पद पर पहुंचते हैं। और मेरी आशा है कि निश्चित तौर पर जितने व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कभी ना कभी एक उच्च पद पर पहुंचने के बाद, गरीब का ख्याल जरूर रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, ये सब सारे हक हैं उनके, सारे नियम कानून उनके आते हैं। 8 घंटे किसी भी श्रमिक से आपको अगर मजदूरी लेना है या काम कराना है, तो आप कितने समय तक ले सकते हैं? 8 घंटे ले सकते हैं। 8 घंटे एक फिक्स टाइम रखा गया है मजदूरी का, या फिर किसी भी फील्ड में 8 घंटे काम करने का रूल है। कभी कभी क्या होता है, ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम के लिए क्या बनाया है, एक्स्ट्रा टाइम वेज एक्ट, क्या बनाया है, वेज एक्ट बनाया है, एक्स्ट्रा टाइम एक्ट कहलाता है ये। इसमें क्या होता है कि कोई कोई कंपनी 8 घंटे से 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, इवन 15 घंटे तक काम लेती हैं, और कुछ मजदूर स्वयं इच्छुक होते हैं एक्स्ट्रा काम करने के। तो जब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे मान लो उदाहरण से समझिए, 1 घंटे की मजदूरी है 100 रुपये, भले ही नहीं होती, 8 घंटे उसने काम किया, उसकी मजदूरी बनी 800, उसकी मजदूरी बनी 800 रुपये। उसने काम किया 9 घंटे, उसने काम किया कितना, 9 घंटे, 9 घंटे की मजदूरी कितनी बननी थी, 900 रुपये। तो 900 रुपये नहीं बनती। इसमें क्या होता है कि 8 घंटे की मजदूरी तो 800 ही रहेगी, और जो 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उस पर डबल चार्ज प्राप्त होता है, और उसकी मजदूरी हो जाएगी 1,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ये वेज एक्ट क्या करता है कि जितना व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है, ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम में जो पेमेंट है वो डबल के रेट से मिलती है। भले ही बहुत सारी कंपनी में कंपनी ना दे, वो एक अलग बात है, लेकिन कानून में, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको जो वेज एक्ट के थ्रू एक्स्ट्रा टाइम पे है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। नाम है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो क्षमता कम हो चुकी है इसी कारण। तीसरा आता है प्रसूति महिला, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो गर्भवती महिलाएं जैसे आपके यहाँ काम कर रही हैं, आपकी कंपनी में काम कर रही हैं, तो काम करते करते अगर वो गर्भ से हो जाती हैं, तब आपको उनको कंपनी से नहीं निकाल सकते, आप उनको कंपनी से नहीं निकाल सकते, और वो घर पर आराम करेंगी, और आपको पैसा बकायदा देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रसूति महिला काम नहीं कर सकती, फिर भी उसको पेमेंट पूरा मिलता है उतने समय तक, है ना। तो ये भी हमारे लेबर कानून में है। चौथा है कि कोई भी जो लेबर है, कोई भी लेबर है, उन लेबरों का एक संगठन है, क्या है, संगठन है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना एक संगठन बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं। बिल्कुल है, लेबरों को ये छूट है अपना यूनियन बनाने की, लेबर यूनियन, मजदूर यूनियन सुना होगा आपने, रहता है। पांचवा है बेटर वर्क प्लेस, ये भी हमारे कानून में है कि अगर आपको मजदूरी कराना है तो आप उसे बेटर वर्क प्लेस दें। ऐसा नहीं कि उसे आप एक ऐसी बुरी स्थिति में काम कराएं जहां काम करना पॉसिबल ही नहीं है, और शायद काम करते करते उस मजदूर की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा वर्क प्लेस, ऐसा माहौल आपको नहीं देना, बेटर वर्क प्लेस देना। बेटर का मतलब ये नहीं कि एसी में काम करा, ऐसा नहीं, काम कराने का मतलब ऐसा है कि ऐसी जगह काम कराइए जहाँ उसकी जीवन जो रक्षक लॉ है वो वहां पर संयम बना या बना रहे। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पहले क्या होता था कि मजदूर है और मालिक है, मालिक और मजदूर के बीच में एक बीच में दलाल होता है, बीच में दलाल होता है, वो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर में दलाल को खत्म कर दिया है, और डायरेक्ट मालिक से कहा है कि आप मजदूर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि जो बीच में दलाल पैसा बचाता है वो दलाल को पैसा ना बचे, मजदूर को पैसा मिले और कंपनी को फायदा हो। सातवां है इक्वल पेमेंट, इक्वल पेमेंट, इक्वल पेमेंट का अर्थ ये है कि आप किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति हैं कंपनी में रखते हैं, तो आपको इक्वल पेमेंट देना होगा, पद के अनुसार नहीं, पद के अनुसार तो खैर
ऑफिसर को अलग पे स्किल रहेगा, मजदूर को अलग पे स्किल रहेगा, लेकिन मजदूर मजदूर की जो कैटेगरी है उसमें अलग अलग प्रकार से मजदूर आते हैं, कुछ अलग क्षेत्र से आते हैं, कुछ अलग क्षेत्र से आते हैं, तो उनका पेमेंट इक्वल होना चाहिए और भी जो अधिकार हैं वो सेम होना चाहिए सभी के लिए। किसी भी प्रकार का, सामान्य भाषा में कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का आपको पक्षपात नहीं करना, एक कैटेगरी में रहकर किसी भी व्यक्ति का आपको पक्षपात नहीं करना, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देना, सभी को समान यहाँ पर आपको मानना है ना। ऐसा कह दिया कि भाई जैसे मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ और मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनको मैंने मजदूर बना लिया अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में मेरे पहचान वाले मजदूर अलग हैं, है ना, और मेरा एक जो सुपरवाइजर है उसने मजदूरों को चुना है, सिलेक्ट किया है, उसके मजदूर अलग हैं, तो भाई मैंने ऐसा किया मेरी कंपनी का, मेरे जो मजदूर हैं जो मैंने चयनित किए हैं उनको हम यहाँ पर कंपनी में अच्छा खाना देंगे, है ना, एक्वागार्ड का पानी देंगे, और जो दूसरे मजदूर हैं उनको हम खराब खाना देंगे, उनको हम उच्च क्वालिटी नहीं देंगे। तो ऐसा पक्षपात करना उचित नहीं होता, इसलिए सेम फॉर ऑल का भी कानून यहाँ पर रखा गया है। नौवां है वर्क डिस्प्यूट। जिस वर्क इस प्लेस पर जो मजदूर काम कर रहा है उस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, विवादित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। कि भाई मान लो एक घर है, घर की जमीन है, उस जमीन में थोड़ा सा विवाद है, उसकी लिखा पढ़ी में थोड़ी सी समस्या है ना, क्लियर नहीं है कि वो जमीन किसकी है, और उस स्थान पर आप मजदूर को ले जाएं और उस पर काम कराएं। तो आपने काम करा लिया लेकिन दूसरे की वो जमीन थी और उस पर वो आके लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो जो विवादित क्षेत्र है वहां पर मजदूरी कराना थोड़ा सा उचित नहीं है। तो वर्क जो है वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी वहां पर मजदूर मजदूरी करेगा। दसवां जो लॉ है वो है हटाने से पहले आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने किसी मजदूर से मजदूरी कराई, मजदूरी कराने के बाद आपका काम हो गया और उसके बाद फिर से आपने हटाकर किसी दूसरे मजदूर को रख लिया, तो ऐसा नहीं है। इसे हटाने से पहले आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक क्या है, राइट है, ये भी एक कानून है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिश्वत दे दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं और कंपनी अपने मनमानी तरीके से ये काम करती रहती है, किसी को भी हटाती है, किसी को भी रख लेती है ना। तो ये सब क्या है ना, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे रिश्वतखोरी की चीजें हैं, उसके कारण ये सब रूल्स सही से फॉलो नहीं हो पाते। किसी भी टॉपिक पर अगर डिस्प्यूट बन जाता है, अगर मजदूर मजदूरी कर रहा है और श्रमिकों को लेकर या उनके यूनियन को लेकर, संगठन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। उस पर एक बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे नियम हैं, उससे ये सब इजीली क्या हो जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। अब हम हाल फिलहाल में बात करेंगे कि हाल फिलहाल में जो है वो किस तरीके से कानून लागू हैं। भारत में देखा जाए तो भारत में सभी कानून लागू हैं और अभी तक लागू थे, अभी तक क्या थे, लागू थे। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, लेकिन हम अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आप बहुत बढ़िया से नोट्स बनाएंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। एक बार में याद नहीं होंगी, 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्या है, याद हो जाएंगी। तो आप वीडियो को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और जैसा मैं आपसे कहते आया हूँ कि जितने अच्छे आपके नोट्स रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा जीवन में सफल होंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन छोटी ही बात बहुत आपको बड़ा बनाती है। तो अब हम बात करेंगे भारत की और चीन की, वर्तमान में जो समस्या है वो क्या है। देखो जितने भी जो मैंने आपको एक्ट बताए, जितने भी मैंने एक्ट बताए, ये सब एक्ट कहाँ लागू हैं, भारत में लागू हैं, भारत में लागू हैं। लेकिन चीन इस तरीके की कोई भी एक्ट नहीं रखता, चीन इस तरीके की कोई भी एक्ट नहीं रखता। कहने का अर्थ ये है कि चीन ने मजदूरों को कोई भी लॉ नहीं दिया, कोई भी लॉ नहीं दिया। सारे जितने भी लॉ हैं वो किसको दिए हैं, कंपनी को दिए हैं। सारे लॉ चीन ने कंपनी को दिए हैं, मजदूरों को नहीं दिए। इसीलिए विश्व की जितनी भी सारी कंपनियां हैं, विश्व की सारी कंपनी कहाँ जाती हैं, विश्व की सारी कंपनी चाइना जाती हैं और चाइना में व्यापार करती हैं। और आपने देखा होगा कि चाइना एक समय एशिया का क्या कहलाता था, एशिया का मरीज कहलाता था,
मरीज का मतलब है बीमारू, बीमारू, बीमारू देश, बीमारू देश। एक समय बीमारू देश कहलाता था, इसलिए कहलाता था कि उत्पादन नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, और विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही थी और आज भी है, इसलिए बीमारू देश था। लेकिन आज क्या बन गया, एशिया का डॉक्टर बन गया। आज आप देखो तो आज सबसे ज्यादा जीडीपी इसी की है, सबसे ज्यादा विकास चाइना ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने मजदूरों के फेवर में कोई भी कानून नहीं रखे, सारे कानून कंपनी के फेवर में रखे। जब कंपनी के फेवर में रखे तो सारे विश्व की जितनी भी डेवलप कंपनियां थी वो सारी कंपनी कहाँ गई, चाइना गई। क्यों गई? क्योंकि उनको राइट्स मिले, उनको राइट्स मिले, उन्होंने वहां जाकर मजदूरों से काम लिया, इतना ज़्यादा काम लिया, अपने हिसाब से काम लिया, उनको कंपनसेशन नहीं दिया, उनको जब जरूरत पड़ी तब रखा, जब जरूरत नहीं पड़ी तब भगा दिया, है ना, भेदभाव रखा, उतना पैसा नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें की, अच्छे अच्छे मजदूरों को रखा, जो मजदूर काम नहीं कर सकता उसको भगा दिया, प्रसूति महिला है, प्रसूति महिला काम नहीं कर पा रही, गर्भवती महिला है उसको भगा दिया, उसको पेमेंट नहीं देना, ऐसे तमाम तरीके के वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने क्या किए, गलत काम किए, जिससे कंपनी लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और सक्सेस हो गई, और जो मजदूर हैं बेचारे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी से बदतर हो गई। क्लियर है? और भारत में क्या हुआ, भारत में हमने मजदूरों का भरपूर साथ दिया, मजदूरों का हमने भरपूर साथ दिया, श्रमिकों को हमने हमेशा ध्यान रखा, कंपनी को भले ही हमने ध्यान नहीं रखा लेकिन मजदूरों के सभी एक्टों को हमने फॉलो किया, इसलिए भारत में मजदूर सही हैं और उनको सही से जो पेमेंट है वो मिल पाती है, इसलिए हम थोड़ा सा कम ग्रो कर पाए। ग्रो तो हमने भी किया है लेकिन चाइना की तुलना में हमारा कम है। कहते हैं कि अगर आपने कोई भी काम सही दृष्टिकोण से किया है, सत्यता से किया है, तो भले ही वो कम सफल है लेकिन वो अच्छा है। अगर आप सच बोल के थोड़े समय के लिए बुरा बन जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो सही है, लेकिन अगर आप झूठ बोल के किसी के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो अंततः उसका परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी काम है अच्छा करिए, कम सक्सेस हो लेकिन अच्छा करिए, अंततः उसका क्या है, फ़ायदा अच्छा ही हुआ। आज के समय देखिए, चाइना कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और कोरोना वायरस से जब जूझ रहा है तो सारी जितनी भी कंपनियां हैं चाइना से क्या कर रही हैं, पलायन कर रही हैं, और पलायन करने के बाद वो ऑप्शन ढूंढ रही हैं कि हमें ऑप्शन में कोई भी ऐसा देश मिले जहां हम क्या कर सकें, व्यापार कर सकें या ट्रेड कर सकें। क्यों? क्योंकि कंपनी यहाँ से जा रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, और अदर ऐसा देश देख रही हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन मिल सके और वहाँ पर वो कंपनी क्या हो सके, कंपनी वहाँ पर लगाई जा सके और वहाँ के मजदूरों को बहुत सारा श्रम मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा मौका है, ये जो कंपनी चाइना से गमन कर रही हैं ये कहीं और ना जाएं, कहाँ जाएं, भारत आ जाएं, ये सारी कंपनी भारत आ जाएंगी तो यहाँ पर मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, कंपनी ऊंचाइयों तक जाएगी, और जब कंपनी ऊंचाइयों तक जाएगी तो भारत का जीडीपी बढ़ता जाएगा, है ना। अभी देखा होगा आपने भारत का जीडीपी बहुत कम हो चुका है, एक समय जो जीडीपी है वो 6, 7, 8 तक चल रहा था और 10 तक की हम बात कर रहे थे कि 10% तक जीडीपी पहुंच जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और अन्य आर्थिक समस्याओं की वजह से आज लगभग 4.2% जीडीपी बचा है, और अब कहते हैं कि ये 1.4 तक पहुंच जाएगा, और कहते हैं कि नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव जीडीपी भी हो सकती है, तो ये नेगेटिव ना हो पाए इसलिए बहुत सारी कंपनियों को भारत लाना पड़ेगा, और जब भारत कंपनी आएंगी तो कब आएंगी, जब हम कंपनी को ज़्यादा क्या देंगे, लॉ देंगे, कंपनियों को ज़्यादा नियम देंगे, कंपनियों को ज़्यादा हम सुरक्षा देंगे, कंपनियों को ज़्यादा हम क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, कंपनी को हम ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, है ना, मजदूरों को भी देंगे लेकिन मजदूरों को हम कम देंगे, मजदूरों को हम क्या देंगे, कम देंगे। तो अभी जो मैंने दो प्रकार के सेक्शन बनाए थे उसमें जो दूसरा सेक्शन था उस दूसरे सेक्शन के जितने भी रिजर्वेशंस हैं, जितने भी कानून हैं श्रमिकों के, वो सारे यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मजदूरों के नियम रद्द कर दिए हैं। जो पहला ग्रुप था
है ना, जो ग्रुप वन लिखा था मैंने उसमें 1, 2, 3, 4 बंधुआ मजदूरी, कंपनसेशन, कंपनसेशन, टाइम पेमेंट, टाइमली पेमेंट, जो चार टॉपिक थे, चार ग्रुप थे, वो चार बस लागू हैं। उस चार के बाद जितने भी मजदूर लॉ थे वो सारे यूपी सरकार ने रद्द कर दिए और यूपी सरकार नंबर वन बन चुकी है विदेशी कंपनियों को भारत में लाने वाली, है ना। तो टॉप स्टेट बन चुका है विदेशी कंपनियों को लाने वाला कौन सा, उत्तर प्रदेश। क्यों बन गया है, क्योंकि मजदूरों को क्या मिल चुके हैं, बहुत सारे कानून मिल चुके हैं, बहुत सारे लॉ मिल चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बुरा हो सकता है, लेकिन अंततः इसका फायदा ही होगा, क्योंकि जब कंपनी भारत आएगी, जब कंपनी भारत आएगी तो इन मजदूरों को रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ी बात। अब जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो इन मजदूरों को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, है ना। सबसे बड़ी चीज है कि इनको क्या मिले, रोजगार मिले। तो रोजगार कम मिलेगा जब कंपनी होगी, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या बनती है कि कंपनी भारत आए, कंपनियां क्या हो, भारत आए। कंपनियां एक बार भारत आ जाएंगी, इस्टेब्लिश हो जाएंगी, उसके बाद फिर से हम मजदूरों को सारे कानून प्रदान कर देंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है, है ना। तो हमें क्या करना है, जो ऑप्शन में कंपनियां दूसरे देशों को देख रही हैं वो सारे हमें भारत की ओर अग्रसर करना है, और कहीं ना कहीं चाइना से जब कंपनी भारत आ जाएंगी तो हमारी भी GDP बहुत आगे तक पहुंच सकती है। तो आई होप इस छोटे से लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, है ना। तो इस तरीके से मैं लगातार आपको टॉपिक बनाता रहूँगा, तो आप कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर टॉपिक बनाना है। उसके बाद मैं बहुत सारे सब्जेक्टों को कंटिन्यू भी पढ़ाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार है कि चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, थोड़े से व्यक्ति हमसे अधिक संख्या में जुड़ सकें, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो आज अगले आने वाला जो टॉपिक है मैं ह्यूमन बॉडी पे बनाऊंगा, है ना। हृदय के बारे में पढ़ाऊंगा, किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। शरीर के आपके जितने भी अंग हैं सभी को एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।